हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इयंग की बात सुन के गिल कहता है, अरे तुम्हें तो मैं याद हूं। और मैं तुमसे छुपता फिर रहा था। इयंग कहती है, तुम मेरे आंटी के शॉप में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। गिल कहता है, मैं जो ढूंढ रहा हूँ अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर इयंग उसे रोक के कहती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें वो ढूंढ के दूंगा, बस मेरे परिवार से दूर रहो। गिल कहता है, क्या तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने उस चीज के बारे में तुम्हें बताया और तुम किसी और को जाके वो बता दिए। ये कहती है, मैं ऐसे क्यों करूंगी, अगर तुम वादा करते हो कि तुम मेरे परिवार से दूर रहोगे मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर उसे ढूंढने के बाद तुम्हें बताना होगा एक साल पहले उस रात क्या हुआ था। गिल कहता है, अगर ऐसा हुआ कि जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो उस रात की कुछ सबूत है, क्या यह जानने के बाद भी तुम अपने परिवार के साथ सुकून से रह पाओगी, क्योंकि तुमने ही तो उस दिन उसे चाकू मारा था। कहती है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे परिवार से दूर रहो और बदले में मैं वो चीज तुम्हें लाके दूंगा। गिल कहता है, परिवार के प्रति तुम्हारा प्यार देख के मैं तो भावुक हो गया, उस रात तुम लोगों के साथ भी वगैरह उस पे कोई और था। यिंग कहती है, मेरे और लैन के वाला बा वहाँ पे कौन था। गिल कहता है, वही तो तुम्हें याद करना है। एक बात याद रखना कि चाकू मारने से किसी की मौत नहीं हो जाती, शायद तुम लोगों के अलावा जो आदमी वहाँ पे था वही असली खूनी है। यिंग कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मेरे वजह से लैन का मौत नहीं हुआ है। गिल कहता है, ऑर्केस्ट्रा की तरफ से सबको एक बॉल पेन मिला था और वही बॉल पेन मुझे चाहिए, उसे खोलने की या उसके अंदर क्या है ये देखने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम वो पेन मुझे लाके देते हो तो मैं उस दिन के बारे में सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। और फिर वो वैसे चला जाता है। इधर पार्टी में जोहानसुक एक परफॉर्मेंस देता है जो कि बहुत अच्छा था। तो ये खत्म होने के बाद हायुन जो रूम से बाहर जाती है और जोहान भी उसके पीछे पीछे जाता है और चांगयुन भी ये देख के उनका पीछा करता है। तो बाहर जोहान हायुन जी से कहता है, तुम मिश्रा जी को कब से जानते हो और तुम उनके साथ। तो हायुन जी कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे छोटे के बाद मैं तुम्हारे सामने हंगामा करूंगी, तुम्हारी वजह से मैं बहुत सारे मौके गवा दिए, पर अब से ऐसा नहीं होगा। तो जोहान कहता है, क्या तुमने मेरे बारे में जांगयुन को बताया। मैंने कहा था ना कि मैं उस दिन घर गया था। हायुन जी कहती है, मैंने तो बस वो बताया जो मैंने देखा था कि तुम लैंड की गाड़ी का पीछे कर रहे थे। जोहान कहते हैं, तुम ये सब इयंग की वजह से कर रहे हो ना। हायुन जी कहती है, तुमने मुझे इयंग की वजह से छोड़ दिया। उस एक्सीडेंट के बाद से तुम इयंग पर दिलचस्पी लेने लगे हो, उससे पहले तो तुम्हें उसका नाम भी पता नहीं था। मुझे पता है कि तुम इयंग से प्यार नहीं करते, मुझे पता है कि तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, मुझे बस ये जानना है कि उस दिन ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम इयंग के आसपास रहते और लैंड के मरने के बाद ही तुम्हें परमानेंट पोस्ट मिल गई। जोहान कहते हैं, मैंने ये पोस्ट हासिल की। हायुन जी कहती, अच्छी बात है, एक साल में इतनी बड़ी पोस्ट मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं है। वैसे भी मुझे ये सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि तुम आसमान से गिर के जमीन के रेंगते हुए कीड़े बनो। और फिर बोवा से चली जाती और ये सब कुछ जांगयुन बाहर से सुन रहा था। तो जोहान जांगयुन को वहाँ पे देख लेता है और कहता है, तुम मेरा पीछा कब से करने लगे हो। जांगयुन कहते हैं, तुमने पार्मर पोस्ट के लिए क्या किया था, लैन को मार डाला था। जोहान कहते हैं, तुम तो मुझे खूनी साबित करने पे तुले हुए हो, एक बात बताओ, अगर मुझे ये पोस्ट ऐसे ही मिल गई होती तो लोगों को पता नहीं चल जाता कि मैं उस पोस्ट के लिए काबिल नहीं हूँ, कि ये लोग मुझे यहाँ पे जीने देते, मुझे उठा के बाहर फेंक देते, इसलिए बाहियात क्वेश्चन करना बंद करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हायुन जोजे फिर से उस हॉल में आती है। मिस्टर गैंग उसे रोकता है और कहते हैं, तुम मिस्टर जैंग को कब से जानती हो। हायुन जी कहती है, जब से आपने मुझे निकाल लिया। मिस्टर गैंग कहता है, सब कुछ खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बुलाने वाला था, पर तुमने मुझे ऐसे धोखा क्यों दिया, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। हायुन जी कहती है, लास्ट परिणाम एक मायने रखती है, वैसे आप मिस्टर जैंग को पसंद क्यों नहीं करते, पर मैंने देखा है कि उनको आप पर बहुत दिलचस्पी है। मिस्टर जैंग कहते हैं, क्या। तो हायुन जी कहते हैं, वैसे आपका सीक्रेट इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है, और हाँ आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। और फिर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जैंग तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता है। इधर इयंग जब घर में आती है, आंटी उसे अपने पास में बैठने के लिए कहती है और कहती है, तुमने हम लोगों को सब कुछ क्यों नहीं बताया, बताते तो तुम्हें ये सब अकेले झेलना नहीं पड़ता, सोने मुझे सब कुछ बता दी है, इसलिए अपने आप को दोषी मानना बंद करो। इयंग कहती है, मुझे याद है कि मैंने उसको चाकू मारा है। आंटी कहती है, सोने बताया, जब लोग बीमार होते हैं वो कुछ भी सोचने लगते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा की है, मुझे पता है कि तुम आज से तुम यहाँ पे रहोगे, अपने घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रात में इयंग छुप छुप के अपने घर में चली जाती है और उस पेन को ढूंढने लगती है जो गिल ने कहा था, लेकिन वो पेन उसे वहाँ पे नहीं मिलती। उसके बाद बहुत सोच विचार करने के बाद उसे लगता है कि ये पेन शायद जांगयुन के पास हो सकता है, इसलिए वो जांगयुन के
घर भी जाती है। जायुन तो उसे वहाँ पे देख के बहुत खुश होता है, लेकिन ये जायुन से कहती है वो लैंड की चीजों को देखना चाहती है। तो लैंड का जो भी उसके पास था जायुन उसे सब कुछ दे देता है। तो ये सभी चीजों को अच्छे से देख रही थी। तो वो कपड़ा देखते हुए उसके पॉकेट में उसे वो बॉल पेन दिख जाती है और वो उस बॉल पेन को अपने स्लीव्स के अंदर छुपा लेती है। लेकिन जायुन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो ईयंग के लिए कॉफी बनाते हैं। लेकिन ईयंग उस पेन को लेके वैसे चली जाती है और ये सब जायुन को थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जायुन को पता चलता है कि गिल ईयंग के आंटी के स्टोर में काम करता है। तो वो गिल से मिलने के लिए जाता है और कहता है तुम ईयंग की फैमिली को क्यों पसंद कर रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो, बताओ मुझे उसकी कीमत कितनी है, मैं उसकी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार, बस मुझे वो जीत जाए। गिल कहता है सच में, तो फिर ठीक है तुम मुझे $3 million दे दो, तुम्हारे पास पैसे है तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें वो चीज दे दूंगा। और फिर गिलवा से चला जाता है। इधर ये सूखे रूम से बोबून ढूंढ लेती है जो कि उस दिन उसने उसे छुपाने के लिए कही थी। इधर जायुन अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत। मिस्टर जैंग कहता है तुम तो मुझे अपना पापा नहीं समझते, तो मैं तुम्हें किस हद से पैसा दूं, पैसे तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, क्या मैं जान सकता हूँ। जायुन कहता है प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं एक महीने में आपको लौटा दूंगा। मिस्टर जैंग कहता है कहीं इसका ताल्लुक लैंड के बॉस से तो नहीं है ना, अगर है तो पैसे नहीं मिलेगा, तुम मुझे इसमें शामिल मत करना। और फिर मिस्टर जैंग वहाँ से चला जाता है। इधर जुआन के दादी सियोल आ जाती है और उन्हें लेने के लिए यंग जाती है। यंग तो उन्हें देख के बहुत खुश होती है और अपने घर लेके आती है। उसके बाद मिस्टर जैंग इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं वो लोग जुआन को इस ऑर्केस्ट्रा से निकाल दे। तो मिस्टर जैंग कहता है कल उसका पहला परफॉर्मेंस, अगर कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ही हम कंडक्टर को निकाल दे तो सबके सामने हमारा मजाक बन जाएगा, वैसे आप उसे निकालना क्यों चाहती है। तो मिस्टर जैंग कहता है ये संस्था एक ऐतिहासिक संस्था है और उस कंडक्टर में इसकी कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो मिस्टर जैंग के जाने के बाद मिस्टर जैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है वो पैसे दे रहा है इसका मतलब क्या, वो जो भी कहेगा हम लोग को वही करना पड़ेगा। और इसी बात को लेके मिस सीओ और उनमें थोड़ा सा बहस हो जाता है। तो वो ये बात जाके जुआन को कहता है कि शायद मिस्टर जैंग को लैंड की मौत के बारे में पता है, शायद तुम्हें इस कॉन्सेप्ट के बाद देख लेना। जुआन कहते हैं मतलब आप मुझे निकाल रहे हैं। मिस्टर जैंग कहता है मैंने ऐसा नहीं कहा, ऑर्केस्ट्रा में तो सभी तुम्हारे काम का तारीफ करते हैं, मैंने सिर्फ कहा कि शायद ऐसा हो सके क्योंकि मिस्टर जैंग ऐसा ही चाहते हैं। जुआन कहता है तो आप इसे रोकिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मिस्टर जैंग कहता है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा लेकिन बाद में कुछ भी हो सकता है। जुआन कहते हैं मतलब आप मुझे निकाल सकते हैं, एक बात याद रखिएगा कि मेरे बाद आपकी बारी है और मैं अगर इस ऑर्केस्ट्रा से चला गया तो मैं वो सब कुछ कह दूंगा जो आपके बारे में मुझे पता है। मिस्टर जैंग कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, लैन की मौत तुम्हारे वजह से हुआ है, अगर तुम उस दिन उसे चाकू देने नहीं जाते तो लैन आज जिंदा होता और उल्टा तुम ही मुझे सुना रही हो। तो जुआन रूम में जाके भी यही सब सोच रहा था और इस सब से इतना तो क्लियर होता है उस दिन वेयरहाउस में जुआन ही गया था। इधर रूम में ईयंग उस पेन को देख के बहुत सोचती है कि उसे इसे लेके आगे क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद वो गिल से मिलने के लिए जाती है और गिल को वो पेन देती है। कहता है सच में तुम ये मेरे लिए लाए, तुमने इसे खोला तो नहीं। यंग कहती है तुमने तो मना किया था और हमारे बीच तो यही तय हुआ था ना कि मैं तुम्हें ये पेन ला के दूंगा और तुम उस आदमी का नाम बताओ जो उस दिन हम लोग के साथ वेयरहाउस में था। तो यह पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।